नमस्कार, साधना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। साधना न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। एक दिन पहले साधना न्यूज ने सवाल तो पूछेंगे अपने विशेष कार्यक्रम में पतियों द्वारा अपनी पत्नियों के हाथ पैर काटने की क्रूरता को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया और कहा कि ऐसे अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा कि ऐसी घटनाओं ने झकझोर कर रख दिया है और ये अपराध महज अपराध नहीं है बल्कि विश्वासघात है। जो पत्नी अपनी पत्नी के सुख दुख में साथ देने का वचन देता है वही आज हैवान हो गया है। उन्होंने कहा कि यह 307 से भी बड़ा मामला है, इसलिए इस तरह के मामलों पर सरकार कड़ा कानून बनाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि डीजीपी के साथ इस मामले को लेकर बैठक हुई, इस विषय पर चर्चा की गई है। पत्नियों के साथ इस तरह की बर्बरता करने वाले पतियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पिछले 15 दिन में 3 ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिन्होंने मुझे झकझोर दिया है, अंदर से हिला दिया है। 3 बहनों के 15 दिनों में हाथ काटे गए, पति ने काटे। ये घरेलू हिंसा का मामला बेहद गंभीर है और मुझे लगता है कि आज भी बहनें कहां स्वतंत्र हैं। मैंने इन मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है। आज डीजीपी को मैंने निर्देश दिए कि चिन्हित अपराध मान के जिन्होंने हाथ काटे हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन यह मामला तब और गंभीर हो जाता है अगर और कोई हमला करे तो अपराध है, लेकिन पति अगर हाथ काटे तो ये विश्वास का खून है। पिछले 15 दिन में